देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समुंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, लेकिन एक मां की सदा सुन ना पाई तो माना कि गूंग बहरी। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। काविंद्र चौहान हूं मैं आपके साथ। दर्शकों, बीते 16 दिन से एक बेटी जिसकी हत्या हुई, बेरहमी से उसको मारा गया, कुचला गया, पीटा गया, दुष्कर्म किया गया और दर्जनों बार उसको चाकू से उसके शरीर पर वार किया। उस लड़की की हत्या कर दी गई, लेकिन 16 दिन के बाद भी उसके माता पिता आज भी न्याय के लिए तरस रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन ना तो दिल्ली पुलिस, ना तो इस मामले से जुड़ी हरियाणा पुलिस और ना ही दिल्ली सरकार कोई भी उस रोते बिलखते मां बाप की सुनने के लिए राजी नहीं। दर्शकों, 16 दिन पहले 26 अगस्त की रात को एक लड़की जो कि संगम विहार में रहती है और वो डीएम ऑफिस लाजपत नगर में काम करती है, रोजाना की तरह वो सुबह निकलती है, रात में उसको वापस आना होता है, लेकिन वो उस रात वापस नहीं लौटती। उस रात उसके कातिल, साजिशकर्ता एक झुंड में आते हैं, उसको लेकर जाते हैं और उसकी फरीदाबाद हत्या कर दी जाती है। आज उस घटना को हुए 16 दिन हो चुके हैं। घटना में बड़े बड़े पेच हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं और जो साफ एक आम आदमी भी उसको बता सकता है, एक ननकू और रज्जाक भी उसको बता सकता है कि इसमें पेच है, लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ भी मानने को तैयार है, फरीदाबाद पुलिस कुछ भी मानने को तैयार है। सब कह रहे हैं कि नहीं, मामला पानी सा साफ है, क्योंकि उनका कहना है एक राबिया का सो कॉल्ड हस्बैंड है जो अगले दिन ही सामने प्रकट हो गया और कहने लगा कि मैं उसका पति हूं, मैंने कोर्ट मैरिज की और लीजिए मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। दर्शकों, ये वैसा ही मामला है जैसे सलमान खान ने रोड पर गाड़ी चढ़ा दी और बाद में एक ड्राइवर जाके पुलिस के सामने कहता है कि मैंने गाड़ी चढ़ाई, मुझको गिरफ्तार कर दीजिए। मामला साफ है कि पैसों के लालच में इसने अपनी गिरफ्तारी दी है। जिसका नाम मोहम्मद निजामुद्दीन है, वो थाने पहुंचता है, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करता है और कहता है कि मैंने राबिया को मारा क्योंकि मुझको उसके कैरेक्टर पर शक है। और कितनी सोचने वाली बात है कि वो व्यक्ति जिसके घर वालों को ही पता नहीं, वो व्यक्ति जिसके मृतका के घर वालों को ही पता नहीं कि ये उसका पति भी है, वो अचानक से कहीं से प्रकट होता है, अचानक से एक स्टोरी लेकर आता है और बोलता है कि मैंने हत्या की है, लो मुझे गिरफ्तार कर, और बेचारी पुलिस कुछ भी उसको गिरफ्तार कर लेती है, उसको भेज देती है जेल और कहती है मामला क्लोज। लेकिन मैं बताता हूं मामला क्या है। तो राबिया के माता पिता का साफ कहना है कि वो जिस डीएम ऑफिस में काम करती थी और जिस आदमी के अंदर में वो काम करती थी उसका नाम है रविंद्र मेहरा। रविंद्र मेहरा डीएम ऑफिस में कोविड ऑफिसर के पद पर तैनात थे और वो उनके अंडर में काम करती थी। उनका जितना भी कैश का जो भी लेन देन होता था उसको वो वहां पर संभाल कर रखा करती थी। लेकिन दर्शकों, सोचने वाली बात है कि राबिया ने इससे पहले उनके घरवालों से भी इस तरीके की बात की थी कि कहीं कुछ ना कुछ तो हेर फेर है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं करती। सोचिए दर्शकों, ये वही रविंद्र मेहरा है जिसको बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो गिरफ्तार करती है, उसको पकड़ती है और कहती है कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त था। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जब हमारी टीम ने इस पर काम किया तो सबसे पहले ही हमारी टीम के पहले सदस्य ने ही बोल दिया कि इसमें भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा नेक्सस शामिल है और यह बहुत बड़े लोगों का हेरफेर है जिसमें राबिया सिद्दीकी जिसकी जद में आ गई। और राबिया सिद्दीकी को बहुत सारी वो चीजें पता चल गई जो उसको पता नहीं चलनी चाहिए और इसी के चलते उन्हीं सो कॉल्ड बड़े लोगों ने, उन्हीं भ्रष्टाचारियों ने, उन्हीं भेड़ियों ने इसको इतनी बेरहमी से मारा, उसको दर्जनों चाकू मारे, उसको मार पीट कर उसके साथ बेरहमी से बेहया इसका सब कुछ क्रॉस कर दिया। और आज 16 दिन बाद भी पुलिस, कछुआ पुलिस शांति से बैठकर यह पूरा तमाशा सरेआम देख रही है। जान लोग, 27 अगस्त से लेकर आज तक लगातार रोज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राबिया के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन यह कछुआ पुलिस सोई हुई है और कहती है
कि आया था व्यक्ति, उसने कहा वो उसका पति है, गिरफ्तारी हो चुकी है, मामला क्लोज। लेकिन हम उनको बताएंगे कि मामला भी क्लोज नहीं है। भारत एट नाइन में रोज जब तक असली कातिल पकड़े नहीं जाते, तब तक रोज जब तक इन मुजरिमों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक रोज जब तक उन बिलखते मां बाप को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक रोज भारत एट नाइन में यू मुहिम चलती रहेगी। और इस मुहिम के हर पेच, हर तार, हर स्क्रू को खोल कर रख देंगे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया और भारत एट नाइन की टीम इस काम में लग चुके हैं। सारे दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं, हमारी टीम के लोग लगातार सड़क पर निकल चुके हैं और अब वो जरूरी सबूत जुटाने में जुट गए हैं। तो मेरा उनसे कहना है, जो लोग अभी देख रहे हैं और जो लोग इस पूरी घटना में शामिल थे, कि अब आप बच नहीं सकते। अच्छी बात होगी कि खुद ही खुद जाकर मामला पूरा साफ कर दीजिए। और जिन लोगों को पैसे के दम पे आपने छुप कराया है, वो लोग ज्यादा दिन चुप रह नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसे से बड़ा ईमान होता है, पैसे से बड़ा जमीर होता है, और उन खोखले जमीरों को हम खोल के रख देंगे। और बहुत जल्द दर्शकों, भारत एट नाइन के इसी मंच से सबसे बड़ा खुलासा करूंगा, जहां पुलिस, जहां नेता और जहां बड़े अधिकारी बहुत से लोगों की पोल खोल कर रख देंगे और इस पूरे मामले का एक एक पेज ABCD पूरी इसी मंच के जरिए आपके सामने रखूंगा। और आज मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जब मैटर मैंने हाथ में ले लिया है, तो ऐसे में इस घटना में जितने लोग संलिप्त हैं, उन सब की खटिया खड़ी होने वाली है। आज हमारी टीम के सदस्य राबिया के घर पहुंचे हैं और अब राबिया के पिताजी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो राबिया के पिताजी मेरे साथ लाइन पर हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले, तो क्योंकि ये घटना जितनी नजर आ रही है, जितनी साधारण तरीके से पुलिस ने निजामुद्दीन इसमें एंटर करता है, पूरी कहानी में उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, लेकिन इसमें पेच बहुत सारे नजर आ रहे हैं। तो मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि ये पूरी घटना के बारे में सबसे पहले आप बताइएगा और उसमें जो पेच है उनके बारे में बताइएगा, क्योंकि इसको ऐसे ही छोड़ना ठीक नहीं है, इस पर पूरा खुलासा किया जाएगा और हम लोग करेंगे, तो इसके बारे में जरा बताइएगा पूरी बात। देखो, सब कुछ पता है, सबको पता हो गया है। अब मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा, क्या मुझे इंसाफ चाहिए? जी बिल्कुल, इंसाफ की लड़ाई में हम आपके साथ हैं और आखिरी दम तक हम आपके साथ हैं, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी सरकार है इस तरह की चीजों को अपने मन में रखे हुए हैं कि एक नया कैरेक्टर लाएंगे और उसको गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवाकर इस पूरे मामले पर पर्दा डाल देंगे, तो ये उनकी भूल होगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस रात दरअसल क्या क्या कुछ हुआ था, बिल्कुल टाइम बाय टाइम बताइएगा। देखो जी, बताता मेरा हला सुलग गया। मैं माफी चाहूंगा ये चीज पूछने के लिए, लेकिन क्योंकि परतों को खोलना बहुत जरूरी है, तो ऐसे में आप वहां से बताइएगा कि आप जब एक सहेली के घर पर जाते हैं, वो दूसरी जगह आपको फोन करती है जो उसके साथ काम करती थी राबिया के साथ, तो वहां से जो मसला है वहां से ही शुरू होता नजर आ रहा है, पेंच वहीं पर है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो किसी पुलिस वाले ने कोई दबाव नहीं डाला, इन्हें किसी से कुछ नहीं बोला, वो तो बस हमें थपकते रहे, कहते रहे कि हाँ काम आपका बढ़िया हो रहा, आप हमारे भरोसे पर रहो, मत कुछ नहीं हुआ। जी अच्छा, और 16 दिन हो गए, 16 दिन हो चुके हैं, अभी तक आप इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो ऐसे में एक चीज और जानना चाहूंगा, उस सहेली के बारे में मैं जानना चाह रहा था बस आपसे, जिस सहेली के घर आप रात में पहुंचे थे, जिससे आपने फोन करवाया था। जो नेहा के घर गए थे, जी जी, तो वहाँ जाकर जो ज्योति है बस उसकी वो रिकॉर्डिंग मिली, बाकी तो वो वायरल है। अब मैं क्या बताऊँ आपको, सबको पता हो गया। मुझे तो यही कहना है कि इंसाफ चाहिए और फांसी पे फांसी होनी चाहिए, और जो दोषी है वो फरीदाबाद में पहुंचेंगे, वो मेरा वो दिल्ली आ जाना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। मैं आप और आगे क्या बताऊँ? नहीं जी बिल्कुल, मैं उसी रिकॉर्डिंग, जी बिल्कुल, जी मैं उसी रिकॉर्डिंग की बात कर रहा था, उस पर हमने भी सुना था कि किस तरीके से वो बता रही थी कि कुछ DM ऑफिस में कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा खेल चल रहा है, तो उस खेल के बारे में जरा मैं जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी कहीं ना कहीं, तो राबिया जब आपके साथ रहती होगी तब आपको भी कुछ ना कुछ तो मालूम चलता होगा, कुछ बड़ा चल रहा है। मैं 2 तारीख को गाँव चले गया था, मेरे पिताजी दादे बीमार थे, हम दोनों में अभी भी चले गए थे। 10 तारीख को मेरे पिताजी की डेट हो गई,
तो हम उसी में लगे रहे थे, लड़की से हो बात नहीं हो पाई, लड़कियां उसके भाई थे और वो थी, दोनों भाई थे और बेटी थी, वो उनसे कोई बता नहीं पाई, हम होते तो हमसे कोई बताती भी, हम इतना उसे मौका नहीं मिला जो हमसे बता सके। बस दो एक दिन हुए थे आ हुए, हम 24 में आए थे, 24-25 में 26 तारीख को ये घटना हो गई। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल मेरे पिता के समान है, और मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके बेटे की तरह ही बिल्कुल आप मुझे घर का ही सदस्य मानिए। मैं इस पूरे अभियान को चला रहा हूँ, इस मुहिम को छेड़ रखी है मैंने, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था बस कि कुछ तो कभी ना कभी शक हुआ होगा कि डीएम ऑफिस में कुछ कार्य चलते हैं, कुछ ऐसी जो इलीगल चीज़ें हैं वो चल रही हैं, जिसको लेकर ये पूरा शायद षड्यंत्र ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। तो उसको लेकर अगर आपको कहीं भी कभी एहसास हुआ हो कि आपकी बेटी ने कभी आपको बताया हो कि पिताजी ऐसा कुछ ऑफिस में कुछ चल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कुछ नेक्सस सा मालूम चलता है। ऐसा हमारी बेटी बिल्कुल जब खुश रह रही थी, कोई परेशानी नहीं कुछ नहीं, वो एक लड़की तो ईमानदार लड़की थी। नहीं बिल्कुल, लालच ईमानदार लड़की थी, वो लालच में किसी की आने वाली नहीं थी। तो कहती थी कि पापा मुझे कमाने के लिए बहुत टाइम करा, अभी तो शुरुआत है, मुझे बड़ा अफसर बनना है, तो मुझे ये काम नहीं करना, ईमानदारी पर काम चलना है। बिल्कुल, मैंने ये कहते हुए सुना था कि जो डीएम ऑफिस है वहाँ पर कुछ लॉकर वगैरह की जानकारी दी गई थी कि वहाँ पर जो रुपया है वो इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर रखा जाता है, और उसकी जानकारी जो थी वो राबिया को लग गई थी, ऐसा भी कुछ है? नहीं, वो कैशियर थी ना, वो जितना पैसा मास्क का आता था वो सारा पैसा इकट्ठा करती थी, वो सब सारा हिसाब किताब उसी के हाथ में था। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की जो कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं उसमें एक्सटॉर्शन की भी बात हो रही है, तो बस मैं इतना जानना चाहता था कि वहां पर जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा था उस पैसे को कहीं रखा जा रहा था, इसकी जानकारी शायद राबिया को लग गई थी, ऐसा कभी कुछ कहा हो? क्योंकि आपने ऐसी बात शायद कही है, मैंने सुना है कहीं पर। 10-15 दिन में जब दूर रहा अपने पापा के उसमें भागा दौड़ी में रहा, तो वो बताती क्या, उससे पहले बातचीत होती लग रही थी, चलान दुकानों पर कटते थे, मार्केट में जाती थी, वो भी मेरे पास वीडियो है, जो रविंदर मेहरा है, ये बड़े बड़े अफसर हैं, इनकी वीडियो मेरे पास है, मेरी लड़की सबसे आगे चले गई थी, आ जाकर दुकानों पर जाकर बातचीत करे गई थी, ये सब कुछ मेरे पास है। बिल्कुल, अब मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि राबिया जो थी वो एक होनहार लड़की थी, सिविल डिफेंस तक पहुँची, और मैं राबिया जिन लोगों ने भी उसके साथ ये कुछ किया है उनको फांसी के तख्ते तक जरूर चढ़ाया जाएगा, लेकिन उन लोगों के नामों को सामने लाना बहुत ज़रूरी है जो दरअसल सच में वहाँ पर उसमें सारी जो भी कुछ हुआ है उसमें शामिल थे। इसमें कहीं ये डीएम का नाम भी निकल कर सामने आ रहा है, डीएम हो या फिर जो आप मेहरा की बात कर रहे हैं वो हो, तो इन लोगों को आप कैसे, मतलब आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता इन बारे में, मैं तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, काफ़ी टाइम हो गया जो मैं अभी भी दवाई खा रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप लोग हिम्मत बांध रहे हो तो मैं खड़ा हूँ, लड़ाई में लड़ता रहूंगा। नहीं बिल्कुल, आप हिम्मत बांधिएगा, हम आपके साथ पूरी मजबूती के साथ आपके साथ सिर्फ हम ही नहीं, कई बहुत भारी संख्या में देश के लोग आपके साथ हैं, और राबिया को इंसाफ मिलकर ही रहेगा। लेकिन मैं तो बस ये आपसे यही कहना चाहूंगा, जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ है ऐसा किसी दूसरी बेटी के साथ ना हो। बिल्कुल, मेरा कहना ये है, मेरी बेटी को के साथ सब खड़े होंगे तो इंसाफ जरूर मिलेगा इंशाल्लाह, और मुझे पूरी उम्मीद है वो फांसी पर जरूर लटकेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज जानने की बस कोशिश कर रहा था, क्योंकि किसी और की बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए बस आप वो चीज बताइएगा कि जहां पर ये जो षड्यंत्र करता है, जितने लोग हैं, ये जो जितने बड़े चेहरे हैं, मुझे पता है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और सबको मालूम है, सरकार में बैठे लोगों को भी मालूम है कि कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बस एक वो बात जानना चाह रहा था जो आपको कहीं ना कहीं लग रही हो, जो आपको पेच नजर आ रहा हो, उसके बारे में जरा सा बता दीजिए बस। मैं नहीं बता सकता। जी ठीक है, कोई नहीं, माता जी अगर हमारे साथ। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 15 दिन पहले से बता, 16 दिन हो गए बताते। बिल्कुल, मैं आपकी परेशानियां बिल्कुल समझ सकता हूं, लेकिन दरअसल क्या है कि हमारी जो टीम है SIT की, वो भी थोड़ा इस पर काम कर रही है, तो इससे थोड़ी सी मदद मिल सकती है, अगर आप खुलकर थोड़ा सा बता सकें। मैं आपकी मजबूरियां, मैं उनके साथ हूं, बाकी तो सब कुछ पता हो गया, सोलन हो गया, अब मैं क्या बताऊं, मैंने जो बताना बता दिया, मुझे तो बस सिर्फ इंसाफ चाहिए, CBI की जांच चाहिए, और मेरा जो केस हरियाणा में है वो फरीदाबाद में, वो केस दिल्ली में आ जाना चाहिए।
जी बिल्कुल, अभी जो आपने बताया कि फरीदाबाद से केस जो है वो दिल्ली आना चाहिए, इसमें इसको लेकर आपने अधिकारियों से बात भी की होगी, कई लोग आपके घर भी पहुंचे होंगे, अभी तक क्या कुछ कहा जा रहा है आपसे इसको लेकर? बस जो घर आए हैं सब आते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और कुछ नहीं रहा, बस साथ साथ सबका मिल गया है। दिल्ली सरकार का कोई मुलाजिम आपके पास आया, दिल्ली सरकार की ओर से कोई आपके पास? हाँ, डीएम ऑफिस तक कोई नहीं आया मेरे पास। दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल सरकार से कोई भी आपके पास नहीं आया? ना ना, वहाँ से तो आए हैं, जैसे इमरान हुसैन आए और विधायक आए, सब आए, इन्होंने सब कह दिया कि हम तुम्हारे साथ है, मत साथ तो है मगर आगे को कुछ कर तो नहीं रहे, 16 दिन हो गए। अच्छा, साथ हैं, कुछ अपडेट होता नहीं दिख रहा है मामले में, बस साथ हैं, साथ हैं, आके आपके घर पर पहुंच गए बताया है अब। बिल्कुल, और ये जानना चाहूंगा जो डीएम ऑफिस जहां पर राबिया काम करती थी, ध्यान से सुनिएगा जरा, जहां पर राबिया काम करती थी वहां से कोई आया है आपके घर पर मिलने? कोई वहां से नहीं आए, अभी कोई नहीं आया, कोई भी जरा सा बच्चा भी नहीं आया वहां से, डीएम ऑफिस से कोई भी मेरे पास नहीं आया, किसी ने ये नहीं कहा क्या क्या हो गया क्या नहीं हुआ, ना कॉल आई है ना कुछ आया, वहां से कोई नहीं आया। मतलब जिस दफ्तर में राबिया इतने महीनों से काम कर रही थी वहां से आप बता रहे हैं कि कोई भी नहीं आया घर पर? हाँ जी, डीएम ऑफिस लाजपत नगर अमर कॉलोनी, वहाँ से कोई नहीं आया। ठीक है, डीएम ऑफिस लाजपत नगर में ही उसकी सहेली भी काम करती थी जो उनके साथ में थी, जिससे आपकी फोन पे जो बातचीत है वो सामने आई थी, वो आई है घर पर? कोई नहीं आया जी, कोई भी नहीं आया। आपको शक किस पर है जिसको आप चाहते हैं कि इसको पुलिस को गिरफ्तार कर पूछताछ करनी चाहिए, रिमांड पर लेना चाहिए, किस पर शक है आपको? देखो जी, सबको मालूम हो गया है, वीडियो सब फैल गया, सब जगह सबको मालूम हो गया, अब मेरे बताने से क्या होगा, सब आप लोगों को सबको मालूम हो गया, नहीं, नहीं, पूरे हिंदुस्तान को मालूम हो गया क्या क्या कर लिया है, क्या हो गया, नहीं, नहीं, बिल्कुल तो सबको ही मालूम है, मेरे पूछने से फायदा क्या होगा, मैंने तो सब कुछ बता दिया है। नहीं बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा रखिए, विश्वास करिए, अगर आप बता सकें कि किस पर शक है आपको अच्छे से और बता सकें, तो हम इस पर किसी अधिकारी से बातचीत कर उस पर उनको संज्ञान दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, आप बता दें। आप क्या बताओ, वो सब कुछ तो क्लियर हो गया है, वीडियो भी हो गई, सब कुछ हो गया, मेरे बताने से क्या हो गया है, मेरा बहुत कुछ 16 दिन हो गए, चिल्लाता चिल्लाता गला पड़ गया, बीमार हो गया, अब मैं और क्या बताऊं, मेरी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, अब जितना मुझसे होएगा, गरीब आदमी हूँ, क्या मुझे घुसरिया को चलना पड़े, मैं जरूर हाई कोर्ट के आवाज खटकाऊ, कैसे भी करूँ, आप लोगों का साथ से डीएम ऑफिस के लोगों पर आपको शक है? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि डीएम ऑफिस के लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं, उनकी भूमिका है, ऐसा आप मानते हैं? हाँ जी, कुछ ना कुछ तो है ये जी, बिल्कुल इस तरीके से, जैसे बेटे को मेरा बहुत बुरी तरह से मारा काटा, उसका साथ दुर्घटना करी है, मैं समझता हूँ कि ऐसा तो उनने लड़ाई लड़ी, इस तरीके से लड़ाई लड़ी, क्या उसके हाथों में चाकू, सब कुछ चाकू, तो एक दो राबिया देश की बेटी थी, होनहार बेटी थी, उसके साथ जो विभत्स जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है उसको शब्दों में बताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप यकीन रखिए, मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों भारतवासी आपके साथ हैं, और जिन लोगों ने भी इस पूरी घटना में जो लोग भी शामिल थे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको यूं बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत हो चुका ये तमाशा खेल जिस तरीके से। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, अगर राबिया की अगर माता जी हमारे साथ हो तो थोड़ी सी उनसे बातचीत हो सकती है, मैं कैमरामैन से कहूंगा अगर थोड़ी सी बातचीत करा सकें तो। वो क्या बात करेगी सर, जो बताना मैंने बता दिया, वो तो वैसे पागल हो गई। जी नहीं, दिल का हाल समझ सकते हैं हम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक बात कहकर जाऊंगा, मेरा नाम काविंद्र चौहान है और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आपके बेटे की तरह आपसे वादा करता हूँ कि इस मुहिम को हम लोग यूँ ही छोड़ने वाले नहीं हैं, बीच में नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ हैं, और दिन हो रात हो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, मिलकर चल रहे हैं, आपको कभी भी किसी तरीके की कोई भी परेशानी हो, कोई भी साथ की ज़रूरत हो तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर आप बात कर सकते हैं, और बिल्कुल भी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, राबिया के पिताजी, राबिया हम सब की बेटी थी, हिंदुस्तान की बेटी थी, बहुत होनहार थी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और अब जो लोग भी इसमें शामिल थे उनको बख्शने के मूड में देश है नहीं, तो आप बिल्कुल भी अपनी जो हिम्मत है उसको टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि आपके पीछे पूरा भारत खड़ा है।
शुक्रिया। तो ये राबिया के पिताजी थे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था। इसके बाद इनकी माँ ने भी कुछ कहा है, उसको भी हम आपको सुना देते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे से वन टू वन बात करने से इनकार कर दिया। उनकी हालत वो नहीं थी और मैंने भी मना किया कि उनकी हालत को देखते हुए वन टू वन बात ना की जाए, लेकिन उनके मन में जो भी कुछ था उन्होंने कहा है, आप फुल स्क्रीन में उसको देखिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, राबिया की मम्मी बोली मुझे इंसाफ चाहिए, CBI की जाँच चाहिए और हरियाणा से केस मेरा ट्रांसफ़र होकर दिल्ली चाहिए और उन हत्यारों को फांसी जल्दी से जल्द मुझे चाहिए। और आप सब मेरा साथ दें, चाहे मुझे घुटरियों खिंचड़ना पड़े और ये मुझे इंसाफ दिलाएं और उन हत्यारों को फांसी दिलाएं। तो दर्शकों, ये आप राबिया की माँ को सुन रहे थे, उनके मन में क्या कुछ बीत रहा है ये वो सब कुछ था, उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। उनकी माँ से ज़्यादा सवालात भी इसलिए नहीं किए गए क्योंकि एक माँ के दिल में क्या कुछ चल रहा होगा ये मैं और आप बेहतर रूप से समझते हैं। लेकिन राबिया के पड़ोसियों ने जो कुछ कहा है उसको शब्द बाय शब्द सुनिएगा और उससे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं ये देखिएगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पूरी घटना में इतने बड़े लोग शामिल हैं, उनका पूरा एक नेक्सस शामिल है, ये माफियाओं का संगठित भ्रष्टाचारी खेल है जो खुलने ही वाला था, जो राबिया खोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले इन भेड़ियों को उसकी भनक लग गई और उन लोगों ने देश की बेटी राबिया के साथ यह सलूक किया। लेकिन अब ज्यादा दिन वो AC के कमरों में ठंडी हवा खा नहीं पाएंगे क्योंकि जेल की सलाखों में हवा थोड़ी गर्म आती है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ उनके पड़ोसियों ने कहा है वो सुनना बहुत जरूरी है और ध्यान से सुनिएगा। उनकी बातों से साफ होता है कि इसमें कौन कौन सी वो मछलियां हैं जो दिख तो रही हैं लेकिन मगरमच्छ कौन है असली, वो आप समझेंगे, इसको सुनिए। मैं तो यही कहूंगी कि आप लोगों से कि जो जो लोग हैं इसमें स्टाफ से सारे लोगों को फांसी होना चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए ईमानदारी से, CBI जांच होनी चाहिए, दिल्ली हरियाणा से दिल्ली केस ट्रांसफ़र होना चाहिए। और जो लोग इसमें हैं अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ सुन लेते हैं और चले जाते हैं। अब अगर हम उनसे सवाल भी करते हैं कि आपने उनका नाम नहीं लिया, उनका नहीं लिया, ज्योति करके ऐसा पूरे देश में ऑडियो उसको घूम रही है और रविंदर मेहरा है, बहुत शर्म की बात है कि कहीं बच्चा कोई एम्प्लॉय काम करता है तो पूरा स्टाफ उठ के आ जाता, वहाँ से एक कानी चिड़िया जिसे कहते हैं ना वो वहाँ वो तक नहीं आए, तो कहीं ना कहीं तो झोलमाल है इसमें। मैं यही कहूँगी कि ये झोलमाल है और इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और राबिया को इंसाफ मिलना चाहिए। वो बहुत नेक लड़की है, हम पड़ोस में रहते हैं, आज तक गली में कोई नहीं, 27 साल इनको हो गए रहते और यहाँ पर कोई भी, मैंने उसकी वीडियो देखी है और तो ऐसा लग रहा है कि वो बच्ची कुछ बहुत आगे जाना चाहती थी मगर इनके कुछ राज उसके हाथ लग गए, इसलिए बच्ची को इनका घोटाला जो है ले गया। और मैं यही कहूँगी और जो यहाँ की सरकार है, सरकार को इतनी शर्म नहीं आ रही है, इतनी शर्म नहीं आई है कि अगर कहीं कुछ कोरोना से भी हो जाती है ना उसकी डेट तो लेके 1 करोड़ रुपए और नौकरी पहुंच जाते हो, यहाँ तक एक फ़ोन नहीं किया, तो ये ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों क्यों कर रहे हैं सौतेला व्यवहार? अरविंद केजरीवाल सरकार केंद्र की और दिल्ली की, मैं यही अपील करूँगी कि राबिया को, साबिया दोनों ही नाम चल रहे हैं, तो इसमें उसको इंसाफ मिले और जो दरिंदे हैं उनको फांसी दे। मैं ये कह रही हूँ कि जो अरविंद निर्भया का जो हुआ था, निर्भया से ज़्यादा इसके साथ बर्बरता हुई, परन आज अरविंद केजरीवाल कहाँ सो रहे हैं। तो दर्शकों, मामला पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, इसमें कोई पेच नहीं है, लेकिन पेच सिर्फ एक है, वो है गांधी जी के कागज का। क्योंकि ये जो लोग पूरे मामले में शामिल हैं हमको भी समझ आता है, आपको भी समझ आता है और पट्टी बांधे उस कानून को भी समझ आता है, लेकिन पूरा खेल यहां पर गांधी जी के उन नोटों का है जिसकी बदौलत आज जो कल्प्रिट्स हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने इस बेभत्स घटना को अंजाम दिया है, वो लोग नोटों के सहारे पुलिस को, पूरे प्रशासन को और बाकी तमाम गवाहों को मैनिपुलेट करने की 1000 कोशिशें कर ली, लेकिन राबिया की मां को आंखों से निकलता एक एक आंसू सच बोल रहा है। राबिया के पिता की जो खरखराहट बजी, जो आवाज आ रही है वो सच बोल रही है। राबिया के पड़ोसी जो आशंका जता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि राबिया जिनके अंडे में काम करती थी
उस व्यक्ति को अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया तो क्यों नहीं वहां के ऑफिस के लोगों से बातचीत कर रही है, क्यों नहीं वहां के ऑफिस के लोगों की संलिप्तता जो हमें समझ में आ रही है, क्यों नहीं उनको रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, यही तो देश मांग कर रहा है। दर्शकों, बहुत बड़ा पेच है, बहुत बड़ा पेच है, लड़ाई बहुत बड़ी है और यह केवल कैंडल जलाकर नहीं लड़ी जा सकती, इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। और ऐसे में एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत एट नाइन प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में, ना तो आज तक किसी से डरे हैं, ना किसी को डराते हैं। एक बात साफ है कि जो लोग इस पूरी घटना में शामिल हैं, अब उनके पीछे हम लग गए हैं। छिपा लीजिए जितने सबूत आप छिपा सकते हैं, जो कर सकते हैं कर लीजिए। यहां पैसा नहीं चलता। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम के एक एक सदस्य, मेरी टीम के एक एक सदस्य ने आज तक किसी से सुई भी नहीं ली है। इसलिए ना हम डरते हैं, ना खबरों को छिपाते हैं, और जिस चीज के पीछे पड़ गए उसको अंजाम तक ले गए। और अब जब इस मुहिम की शुरुआत हो गई है तो मैं चाहूंगा कि जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं। हम लोगों की आज उतनी, शायद उतनी हम लोगों के पास संसाधन ना हो कि हम इन जैसे लोगों से लड़ सकें, लेकिन लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि राबिया की तरह और किसी बेटी के साथ ऐसा कुछ होने नहीं। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे की बदौलत, पैसे की दम पर, जिन लोगों को लगता है कि नोट जेब में रखकर इस पूरे मामले को हवा हवाई कर देंगे, इस पूरे मामले को दबा देंगे, तो उनके लिए खुला चैलेंज है कि इस कार्यक्रम में रोजाना उसी पर बात होगी। और जब तक आप गिरफ्तार नहीं हो जाते, जब तक आप लोगों को सलाखों के पीछे नहीं भेज दिया जाता, तब तक ये आवाज दबने वाली नहीं है। रोक सको तो रोक। कल एक बार फिर आपके सामने आऊंगा और एक एक किच्चा छिट्टा खोल कर रखूंगा।